बात क्या है बाबू? ये आदमी तुम्हारी माँ के हक के पैसे जुए में उड़ा देता है और हमारी मजदूरी भी खा जाता है। हमें किसी तरह इससे छुटकारा दिलाओ बाबू। हाँ हाँ समझ गया। हे दारा, इनके पैसे इन्हें दे दे। बस समझाए क्या? हमें पता है कितने पैसे देने चाहिए, तू बीच में मत पड़, बोल देता हूँ। चल एक बात बता, इनके हक का पैसा लूटना अच्छी बात है क्या? लूटा क्या करेगा? ए छोड़, लाठी छोड़। अरे मैं बोल रहा हूँ लाठी छोड़। अब कौन सा हाथ? छी। क्या हुआ? हवा निकल गई? आ जाओ ना, डर क्यों रहे हो? आ जाओ आ जाओ। ये मेरी माँ के पैसे हैं, मतलब हमारे पैसे। तुम लोग खून पसीना एक करके खेती करते हो, तो इस पर आधा हक तुम्हारा भी बनता है। और आधा हक हमारा है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी, निभाओगे ना? तुलसी माता की जय! तुलसी माता की जय! तुलसी माता की जय! तुलसी माता की जय! अरे बस करो यार। अरे बाप रे, चुराए हुए पैसे भी दे दो। आज औकात पता चल ही गए कि कौन महान है और कौन शैतान, और वो शैतान तुम ही हो। शेर सिंह जब लौटेगा तो मुरारी को मुर्गी की तरह हलाल करेगा। पक 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 पक। तुलसी! क्या हुआ? ए! बात क्या है बोलो ना। ज्यादा नाटक करती है तू। होश में भी नहीं। अगर तुझे इतनी तकलीफ थी तो एक बार कह देती, तेरे पैसे को लात मारता। बात क्या है? कर दो। तुझसे रिश्ता नहीं है मेरा। तुम कुछ मत बोलो, मैं देखती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम पीछे हटो पीछे हटो। मुझसे कोई गलती हुई क्या? वाह वाह, ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे बाप ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और फिर तुम्हारी अच्छे घर में शादी भी करवानी चाहिए, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी मर्जी से एक राह चलते आदमी से शादी कर ली और ये भी नहीं सोचा कि हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, और आज आकर ये हमारे मजदूरों पर हक जताता है। हमें तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं है। चाचा, हम भूखे नहीं मर रहे हैं। तेरे पैसे से मेरी जिंदगी चलेगी? तेरी हैसियत ही क्या है? तेरे पैसे तू तेरे पास रख, मुझे जरूरत नहीं है। तेरे पैसों पर नजर ना, तेरे ससुराल वालों की, मेरी नहीं है। शेर सिंह, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कुछ मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो, मत बोलो। माँ को खेत की खबर नहीं है। तू क्या इसे माँ बुला रहा है? तू तो पैदा होते ही अपनी माँ को निगल गया था। ये तेरी माँ कैसे हुई जो खुद पांच है? भैया, चुप हो जाओ। तू चुप कर। शेर सिंह, छोड़। छोड़ो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मारूंगी नहीं तो, मारूंगी। चल, चल, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तुलसी दीदी, अभी नहीं, तुलसी दीदी, तुलसी दीदी, नहीं छोड़ो। उसकी उसकी बात का बुरा मत मानो। देखो तुलसी, नहीं रहना मुझे। उस पागल के कहने से अपना घर छोड़ के चली जाओगी? उसके दिल में जो था उसने कह दिया। कोई पागल ऐसा कहता है क्या? मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन मैंने इस घर के हर सदस्य को अपना परिवार माना है। उनका उनका प्यार मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, और तुम तो मेरे लिए भाई जैसे हो ना। और इसी रिश्ते को निभाने के लिए मैं हर साल यहाँ आती हूँ, अपने भैया के लिए, भाभी के लिए, पूरे परिवार के लिए। मैं हर साल यहाँ पूजा के वक्त दौड़ी चली आती हूँ ताकि आप सबके साथ खुशी के दो पल बिता सकूं। आप खेत के मुनाफे की बात कर रहे थे? नहीं, मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए। तुम तो जानते हो मैं यहाँ से शादी के एक जोड़े में गई थी। उस दिन से लेकर आज तक क्या एक फूटी कौड़ी भी मांगी मैंने तुमसे? फिर भी तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब मेरी गलती।
माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगी। मत रोको, मुझे जो कुछ भी मिला था वो भी मैं इसके नाम कर दूंगी, वरना ये फिर मुझ पर इल्जाम लगा देगा कि मैं हर साल यहाँ कुछ लेने के लिए आती हूँ। ये मुझसे सहन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मुझे माफ कर दो, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। नहीं, छोड़ो मेरा, अगर ये बात मैं नहीं छोड़ो अपने बड़े भाई ने की होती तो लाजमी था। पूजा छोड़ने जाना बुरी बात है, आज जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अभी जो तुम कर रही हो उसके लिए पूरे परिवार को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तुलसी मान जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक सकती। मत जाओ ना तुलसी। मुझे देखो, चल बेटा, देखो मेरा कहना मत। माँ, मेरी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है। इनकी बात मान लो और ये पूजा खत्म करो, मैं चलता हूँ। नहीं मुरारी। ये क्या कर रही हो माँ, ये कैसी जिद है? हाँ, इनकी बात मान नहीं रही आप, चाहती हो मुझे श्राप लगे? नहीं बेटा, कभी नहीं। तो फिर मेरी बात मानो, पूजा खत्म करो, फिर मैं लेने आऊंगा। तुम मेरी माँ हो ना, तो कर्तव्य नहीं निभाओगी, पूजा नहीं करोगी। पूजा खत्म करो, फिर मैं आता हूँ। आंटी, मैं चलता हूँ। और मामा जी, मामा जी, मैं तो हूं ही बेवकूफ, बेकार में ही आपसे उलझ बैठा। सच कहूं तो मैं कभी आपकी बेइज्जती करने की सोच भी नहीं सकता, और वहां फैसला लेने से पहले आपसे बात करनी चाहिए थी, ये बात मेरे दिमाग से ही निकल गई। हो सके तो माफ कर देना प्लीज। और हां, मां का ख्याल रखना। चलता हूं, मां की जिम्मेदारी आप पर। तो तो बड़े सेठ जी की कुंडली है। मजले वाले की भी। हाँ, और ये है छोटे वाले। ये सूर्य देव जी की कुंडली। ये है मुरारी की। मुरारी, देखिए तो इसे क्या हुआ है, रोते ही जा रहा है। आप शांत हो जाइए, पंडित जी है ना, देख लेंगे, शांत हो जाइए। मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं, बच्चे को देखिए ना, आप देखेंगे ना पंडित जी। हाँ, बच्चे का ख्याल रखिए, मैं चलता हूँ। मुरारी तो अभी तक एक बच्चा है, उसकी क्या गलती, क्या वो आपकी संतान नहीं है? उसके साथ ही अन्याय क्यों, क्या वो आपका उत्तरदायित्व नहीं?
माँ अपनी संतान के साथ ऐसा करती है क्या? उसने तो अभी जीवन देखा ही नहीं। ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं होने दे सकते। यदि आपने ऐसा कुछ होने दिया तो देख लेना, आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी पूजा भी नहीं करूंगा मैं। आपको उसकी रक्षा करनी होगी, उसका भाग्य बदलना होगा। हाँ, इतनी कृपा करना मां, कृपा करना, रक्षा करना मां, रक्षा करना। बड़ी मां, अब मुझे हॉस्टल जाना है। तुमने तो कहा था तुम कुछ और दिन रुकोगी, क्यों जा रही हो? मुरारी और तुलसी ने खूब हंसाया, दिन इतनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। अब ये भी हॉस्टल चली जाएगी, घर फिर से सूना हो जाएगा। इसे जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब मैं इसे नहीं जाने दूंगी। नहीं बड़ी मां, मुझे जाना है, मैं संक्रांति में लौट आऊंगी ना। संक्रांति पे आओगी तब तक ये देवदास क्या करेगा? ओ मैडम, छुट्टा तो लेती जाओ। ये छुट्टे रखो, ले लो।